नमस्कार, इस रेसिपी वीडियो में हम आपको सरसों का साग बनाना सिखाएंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये सर्दियों में खाया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो सरसों, आधा किलो पालक, 250 ग्राम बथुआ, 100 ग्राम सोया और 100 ग्राम चने की पत्तियाँ जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इन्हें एक कुकर में डाल देंगे और इसी के साथ इसमें अदरक और लहसुन जिसे हमने लंबा लंबा काट लिया था डालेंगे। अब हम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला और आवश्यकता अनुसार पानी डालकर इसे बंद करेंगे और इसे 3 से 4 सीटियां दिलाएंगे। इसके बाद हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हम इसे पीसने के लिए ब्लेंडर में डालेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में बेसन डालेंगे, बेसन या फिर आप मकई का आटा भी डाल सकते हैं, और उसे अच्छी तरह से सुनहरा भूरा होने तक भून लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें प्याज और अदरक डालेंगे और इसे सुनहरा भूरा होने तक भून लेंगे। प्याज और अदरक के सुनहरा भूरा हो जाने के बाद इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और आवश्यकता अनुसार नमक डालकर इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और इसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे और टमाटरों के गलने तक इसे अच्छी तरह पका लेंगे। जब टमाटर गल जाएं तो इसमें ब्लेंड किया हुआ साग डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसके साथ इसमें जो हमने बेसन भूना था वो भी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हमने बेसन थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बेसन डालने से इसमें का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसमें मक्खन डालेंगे और इसे फिर से हिला लेंगे और कुछ देर पकने के लिए छोड़ देंगे। साग पक चुका है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे। क्रीम से इसे सजाएंगे। सरसों का साग बनकर तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।